खान गैंग जो है पूरा एक हावी हो रही थी और खान गैंग का बाइकॉट होना भी चाहिए। दारू खान की मूवी देखने ही नहीं जाएगा, क्या बोला? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नहीं जाएगा। देश के लिए बहुत बड़ा गद्दार इंसान है शाहरुख खान जो है, रहता यहाँ पे खाता यहाँ पे, लेकिन सपोर्ट कहाँ करता है पाकिस्तान में। शाहरुख खान जवान कहते, क्या जवानी है शाहरुख खान की, वो भाइयों का कमाल है उनकी जवानी का। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बोलो बोलो भारत माता की, बॉयकॉट बॉलीवुड। और जिस फिल्म में देश विरोधी तत्व या देश विरोधी बातें करने वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उस फिल्म को बॉयकॉट करो, उस हीरो को बॉयकॉट करो। शाहरुख खान की मूवी आ रही, देखने जाएगी पब्लिक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं जाएगी? हमारा इच्छा नहीं है जाने का। अरे इतने डैशिंग हीरो, क्या बात, इनसे डैशिंग हीरो, इनसे पूछो। शाहरुख खान को लाइक नहीं करते हैं? क्यों नहीं? सबसे बेकार मूवी थी शाहरुख खान। लाइक करते हैं जो इंडिया की खाते और इंडिया की गाते। जिंदाबाद एपीजे अब्दुल कलाम। शाहरुख खान जवान कहते, क्या जवानी है शाहरुख खान की, वो भाइयों का कमाल है उनकी जवानी का। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बोलो बोलो भारत माता की, बॉयकॉट बॉलीवुड। और फिर कहीं ना कहीं क्या है, खान गैंग जो है पूरा एक हावी हो रही थी और खान गैंग का बाइकॉट होना भी चाहिए, होना चाहिए क्योंकि उनकी पठान मूवी आती है तब इतना होता है। मुझे लगता है कि विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, अगर उनकी कोई मूवी आती तो एक विशेष धर्म, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है। तो हम हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है और गदर टू जैसे कि आई है, होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू होनी चाहिए, एकदम से होना चाहिए। और शाहरुख खान की मूवी को बायकॉट करना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त बोले। बायकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? बायकॉट करना चाहिए शाहरुख खान की। वो शाहरुख खान की पिक्चर नहीं देखेगा, जिसने गादा देख ली वो शाहरुख खान की मूवी देखने ही नहीं जाएगा, क्या बोला? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नहीं जाएगा। क्यों शाहरुख खान की क्यों नहीं देखेंगे? अरे क्यों देखेगा आदमी? ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है शाहरुख खान की मूवी को बायकॉट करना, इसको पब्लिक कैसे देख रही है? शाहरुख खान भैया यही फुल बायकॉट। क्यों भाई? देश के लिए बहुत बड़ा गद्दार इंसान है शाहरुख खान जो है, रहता यहाँ पे खाता यहाँ पे, लेकिन सपोर्ट कहाँ करता है पाकिस्तान में, सपोर्ट कहाँ पे करता है सऊदी अरब में। तो भाई हम क्यों देखेंगे उसकी फिल्म, वही लोग देखेंगे ना हम क्यों? शाहरुख खान की उम्र 50 से अधिक है, प्लास्टिक सर्जरी इंजेक्शनों के नाते वो इतने यंग दिखते हैं। आप यंग और डैशिंग की बात कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि एक्टिंग जरूरी नहीं है, उन्हें एक्टिंग आती नहीं है, लेकिन एक विचारधारा का जब वो प्रतिशोध करते हैं, इसलिए हम तो नहीं देखने जाएंगे, किसी को देखने जाना हो तो देखने जा सकते। कह रहे हैं कि एक वर्ग है जो कह रहा है लाख कोशिश कर ले बायकॉट नहीं होने देंगे। देखिए मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करता हूँ, मेरा मानना यह है कि वो कभी कभी ऐसी बातें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं जो देश के लिए उचित नहीं है। तो जो देश के लिए नहीं है उसके लिए देश के किसी भी व्यक्ति का एक रुपया टिकट के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। इसलिए जो जिसको लगता है शाहरुख खान देश के विरोध में कभी कभी एक आध बातें कर देते हैं, तो उसको यह मूवी नहीं देखनी चाहिए। जवान विल बी अ फ्लॉप। फ्लॉप फिल्म जब तक किसी की विचारधारा को सपोर्ट करेगा वो समाज का दर्पण नहीं हो सकता। सिनेमा समाज का दर्पण होता है, जो समाज के लिए सही है वही फिल्म में दिखे, जो समाज राष्ट्र के लिए विरोधी तत्व हैं उनका बॉयकॉट जरूरी है और उनको फिल्म में काम नहीं करने देना चाहिए। और जिस फिल्म में देश विरोधी तत्व या देश विरोधी बातें करने वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उस फिल्म को बॉयकॉट करो, उस हीरो को बॉयकॉट कर देना चाहिए।